निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता हेतु जनपद स्तर पर स्वीप एवं इलेक्ट्रो रोल लिटरेसी क्लब संबंधित गतिविधियों के संबंध में सर्किट हाउस में 13 अप्रैल को मंडलायुक्त तथा अन्य अधिकारियों सहित गोरखपुर मंडल से संबंधित जनपद के अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चर्चा की जाएगी। बैठक के पश्चात निर्वाचन के संबंध में विभिन्न गतिविधियों पर समीक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में की जाएगी, जिसको लेकर मंडलायुक्त जयंत नालिकर और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने दीक्षा भवन का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, आज का जो निरीक्षण एक हम स्पेशली गोरखपुर मंडल में और गोरखपुर मंडल के गोरखपुर जनपद में हम मतदाता जागरूकता अभियान बहुत तेज़ी से चला रहे हैं और हमारा प्रयास है कि सभी इलेक्टर्स, वो चाहे किसी भी संवर्ग के हों, किसी भी सेक्शन को हों, वो भारी से भारी संख्या में अपने मताधिकार का 19 मई को यूज़ करें। और इस संदर्भ में एक हम मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें कि लखनऊ से भी उच्च पदाधिकारी के आने की संभावना है और जिससे हम चाहते हैं कि एक ओपिनियन बिल्डअप हो, एक अच्छा माहौल बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के 19 मई को वोट करें। तो ये इस संदर्भ में आज हमने एक ऑडिटोरियम हॉल देखा था और उसी संदर्भ में आज मैं वहाँ जिलाधिकारी महोदय के साथ गया हुआ था। बिल्कुल, हमारा विश्वास है जितने कार्मिक हैं, देखिए जितने कार्मिक हैं उनको सर्विस वोटर या पोस्टल बैलेट जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कवर हों, चाहे वो यहाँ के कार्मिक हों, यहाँ के कार्मिक कहीं बाहर काम कर रहे हैं। और जो परिवार रह जाते हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है, वो भी इस लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं। जो सरकार चुनी जाएगी उसके जो डिसीजन होंगे उससे वो भी उतना ही प्रभावित होंगे, तो यदि उन निर्णयों से वो भी उतना ही प्रभावित होंगे जितना कि उनके घर के मुखिया जिसे कहते हैं वो होंगे, तो उनको भारी से भारी संख्या में आके और निर्भीक होके इस मंडल के सभी जनमानस को मैं कहना चाहता हूँ, निर्भीक होके वो अपने मताधिकार का यूज़ करें। और हम लगे हुए हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस चीज़ को एश्योर करने में कि हम फेयर और फ्री इलेक्शन यहाँ पर कराएंगे।